कृष्ण बुक का अध्याय शुरू कर दिया था। हाँ उसमें दूसरे अध्याय में, इस अध्याय का नाम है कि गर्भस्थ, जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में थे उस समय देवता लोग आके उनसे प्रार्थना की। उससे पहले वाला बैकग्राउंड से पूरा चर्चा हुआ था और भगवान ने योग माया को आदेश दिया था। तो उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, फिर तो दोनों ही योग माया के वश में थे, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का सातवां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए। वे देवकी के गर्भ में विधि द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उसे देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप में से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के हृदय में आ गए, उसको फील भी कर पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु तो उनके नाम गुण प्रसाद सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप से अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ। इस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। तो अभी उसके बाद देवकी के हृदय से भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के मन में आ गए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में आ गए। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। ये सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे क्योंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार तथा नृसिंह वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण विषमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुँचता, प्रशंसित नहीं होता। इस प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इससे पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए? उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डाले,
भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। हंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है और गर्भवती है। यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि समाप्त हो जाएंगी। उसने आगे भी विचार किया, जो तो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार विचार किया। कंस भी हमेशा चिंतन करता था, भगवान के बारे में चिंतन करता था। वो प्रतिकूल रूप में करता था, लेकिन हमेशा वो सोचता रहता था भगवान के बारे में, चिंतन करता रहता था। अंत में कृष्ण ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उसका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी का अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न हुआ, बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है, तो वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। तो एक जो भगवान का भक्त होता है, उसी तरह अभी कंस भी आचरण कर रहा है। 3 बार सोच रहा है भगवान के बारे में, विष्णु 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 उसके विचार में हमेशा वही है, लेकिन बस एक ही ये है कि ये प्रतिकूल दृष्टि से सोच रहा है और एक भक्त अनुकूल दृष्टि से सोचता है। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है, जो पूर्णतः कृष्ण भावनावहित हो जाता है और परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है, शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल, भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो वह यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही है। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई शक्ति है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है। वे सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है।
इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में है। देवतागण भौतिक प्राकृति के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह जब जब प्रार्थनाएं आती है तो प्रार्थना थोड़ी सी फिलोसॉफिकल टाइप होती है, तो वो प्रार्थना चल रही है, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान ने बोला था कि वो आएंगे और भगवान अपने वचन को निभाते हुए अभी आने वाले हैं। यह भौतिक प्राकृतिक क्या है, यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकृतिक रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृतिक की सूचना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। वृक्ष का शब्द का क्या अर्थ है? वृक्ष, ये शब्द का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। तथा तो भौतिक प्रकृति का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। ये भौतिक प्राकृतिक के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोर उपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो परमात्मा कहलाता है, दूसरा पक्षी जीव है। तो शरीर एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो प्राणी है, एक है परमात्मा एक है जीवात्मा। जिस भौतिक जगत के सारे फलों को खा रहा है, कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष का जड़ें 3 दिशाओं में फैली है, इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण। तो एक 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 पक्षी खा रहा है, दूसरा जो जीवात्मा है वो क्या है? उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा अनुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वर। यह हुआ कि वृक्ष की जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों के संसर्ग में से मनुष्य अपनी जीवन की अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के 3ों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, कि तो 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान सत्व या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रिया जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख और प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों से ढका है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, व्यवस्था तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी हैं, जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं, भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, शिवजी तमोगुण। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। उत्पत्ति, पालन तथा संहार।
उत्पत्ति जो होती है ये रजोगुण में होती है। पालन के लिए सतोगुण चाहिए और संहार के लिए तमोगुण। जब इस संपूर्ण सृष्टि कस विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु तो जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु तो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भ्रमित होने के जाने के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्ति किए गए प्रतिनिधि है, विष्णु पालन के लिए अंश के है और शिवजी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। देवताओं की स्तुति चल रही है। अध्याय देखते हैं कितना हो पाता है। अध्याय देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों का तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के लिए दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के लिए वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक, असुरों के लिए घातक होते हैं। जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले को देख के चोर डरेगा, और जो चोरी नहीं कर रहा है वो तो उसको कोई डर नहीं, उसके तो लिए वो सुरक्षा है, चोर पास में नहीं आएगा। इसी तरह भगवान भक्तों के लिए तो मोहक है और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा, इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न ज्ञान के महासागर को गोखुर में समान सामने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। ये स्वयं प्रकाशित जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। तो एक अच्छा श्लोक है यहाँ पे, क्योंकि नाव के सहारे जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार किया, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वह अभी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। तथा जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भाव सागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। तो दो दृष्टि है, एक तो भक्त लोग अगर एक नाव से उस पार गए, भौतिक जगत से नाव में बैठ के उस पार गए, तो वो नाव
अभी भी इस बार में उपलब्ध है, भक्त लोग उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा कि भौतिक जगत इतना छोटा हो जाता है अगर तो भक्ति के माध्यम से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, तो इतना छोटा हो जाता है गोपद के समान, गोपुर के समान इतना छोटा हो जाता है, सारा समुद्र समझ कर गोपद में समा जाता है। मतलब तो भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इस तुरंत समुद्र पार कर लेते, मतलब तो छोटा सा एक गोपुर की तरह वो इतना छोटा सा महासागर बन जाता, तो बच्चा भी पार कर जाएगा। क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्धजीव के प्रति दयालु होते हैं, तो नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है, वो भी उसी किसी समय उनके चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। मतलब तो कोई व्यक्ति, पहले लोग, बहुत सारे लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके भगवत धाम चले गए, तो वो जो उनके चरण कमल का आश्रय लिया, जिस तरह उन्होंने कार्य किया, वो नाव अभी भी है। या दूसरे दृष्टि से देखें कि वो रास्ता जो उन्होंने अपनाया वो रास्ता अभी भी है, हम भी उस रास्ते पे चल के भगवत धाम जा सकते हैं। ध्यान करते हैं भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता, चरण कमल भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी है तो भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। उससे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कमल कलमश ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीव जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए, निर्विशेषवादी ब्रह्मतेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता की पुष्टि करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता, ऐसे लोगों को आपकी कृपा से प्राप्त नहीं होता। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक जगत भौतिक शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तब मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक और कुछ नहीं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु तो इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार के पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है, तो वह आध्यात्मिक वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। तो भक्ति का परिणाम क्या है? व्यक्ति कहाँ तक हो जाता है? आध्यात्मिक राज्य में जाता है, वैकुंठ तक चले जाता है। तो हमारा उद्देश्य चंद्रमा तक जाना नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए वैकुंठ तक जाना, तो वहाँ भगवान की संगति मिलेगी। चंद्रमा तक जाएंगे देवताओं की संगति मिलेगी, और टेक्नोलॉजी के द्वारा तो कुछ नहीं मिलेगा, धूल कण मिलेंगे। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते, यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक इसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण के भगवद गीता में वचन में रखा गया है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता।
देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए। आपके प्रकट का लाभ देते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मानव, सन्यासी, सभी आपके प्रकट का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहीन भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटे अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद के रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गणन अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। ये तो ये तो बहुत बड़ा है, तो बहुत क्या करें, इसको कंटिन्यू करें या बड़ा तीन चार पेज कर देते हैं अध्याय को खत्म। दूसरे शब्दों में, आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी। भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रकट में यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। तो आप आ जाएंगे तो बाकी लोग अपने आप को ईश्वर नहीं बताएंगे। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परो अव्यक्ता। भौतिक सृष्टि द्रव्य के व्यक्तिगत प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सत्वगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेव से अधिक सुंदर है। हरे कृष्ण। तो